बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत गिरामी, आज की इस बाबरकत महफिल का आगाज हस्ब दस्तूर अल्लाह ताला के पाक कलाम से होता है। मैं गुजारिश करूंगा तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करने के लिए जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद इस्माइल साहब से, तो तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल फरमाए कारी मोहम्मद इस्माइल। यासिर शाह साहब कादरी को जो बारगाह नबी हदीए नात पेश करें मोहम्मद यासिर शाह go
सामने जे रब दा हबीब होवे अखियां दे सामने जे रब दा हबीब होवे और जिस वेले विच कबर सोहड़ा कदम टिकावे जिस वेले विच कबर दे सोहड़ा कदम टिकावे कदमाच ढै पवा में मंजर अजीब हो कदमाच ढै पवा में मंजर अजीब होवे मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे बिगड़े सारे कम बड़ौंदा अल्लाह ए सारियां दी गल बड़ौंदा अल्लाह ए बिगड़े सारे कम बड़ौंदा अल्लाह ए सारियां दी गल बड़ौंदा अल्लाह ए अल्लाह ए सारियां दी गल बड़ौंदा अल्लाह ए मैनू याद तू कर मैं तेनू याद करा मैनू याद तू कर मैं तेनू याद करा ए विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह ए खुद फरमांदा अल्लाह ए सारियां दी गल बड़ौंदा अल्लाह ए अल्लाह ए सारियां दी गल बड़ौंदा अल्लाह ए और जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा ए जेड़ा अल्लाह अल्लाह करदा है ओनू अपना हरम विखाउंदा अल्लाह है ओनू अपना हरम विखाउंदा अल्लाह है सारियां दी गल बड़ौंदा अल्लाह है सारियां दी गल बड़ौंदा शख्सियत बरकरार रहती है।
पीर गुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी सादगी के अंदर अपनी तरीकत के अंदर अपने जोहद इबादत के अंदर यकत हैं। माशेश को ऐसे इंसान नहीं होने जो अपनी मिसाल आप होने बेमाशे ना नहीं रहते वो अपनी जिंदगी का एक सोना ते प्यार से मोहब्बत का वक्त गुजार लेते दुनिया को बड़ा काफ़ी अर्सा याद करें लिए असर सब दुआ को ऐसे जो अल्लाह ताला उन्हें दी कबर ते रहमत अंदर नजूर फरमावे। मैं हूँ गुजारिश करे सा जनाब राजा अब्दुल मजीद साहब को जो फरीदी रंग अपना कलाम पेश करे से उनके बाद मैं चूंकि हाकी ना दा ज्यादा है मैं पीरजादा मोहम्मद आसिफ शाह साहब बैठे उस स्टेज पे फरज अंजाम दे से ये राजा साहब को आप सोनी नाथ सुन सो सुभान या रसूल अल्लाह बिछड़ गया सजना दियो मेरे बुझले दर्द पलक 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 परदेसियों का मेरे अखियों ने सांस अल्लाह जाने अल्लाह जाने कि हाँ दे अल्लाह जाने कि हाँ दे लंग साल गए आख फरीदा आबातियों ओ झोंका रब फेर दिल दर्द तो मां थी दर्द दुश्मन सजे पिया भाल बेहाल दुश्मन सजे पिया भाल पत्ता न प्या चुप चुप से सी एक दिन पुनल बजा
दिल बना यस खिल कमो रह गई उठी मंजिल कनो आँखें पे हर सफर हर दम नारे हर सफर हर दम नारे मेहरू न करे हर सफर हर दम मेहरू न करी इलाही ताबद खुर्शीद माही चरागे चिश्तियां दा रोशनाई अगर कीती सरासर बात की रत चरागे मुकबला हर के जमीरत तेरे नाम पे करूं जाफिदा तेरे नाम पे करूं जाफिदा न सिर्फ एक जहां तू जहां फिदा तू जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करो लो जहां नहीं यक जांच तुनद सादी मिसकी के तो सद जा यक जांच तुनद सादी मिसकी के तो सद जा साजिम फिदाए तो सगे दरबान मोहम्मद मैं गुजारिश करे सा क्योंकि हक उन्हें तो बढ़ता है साहबजादा मोहम्मद आसिफ शाह साहब को जो अपने फरैज मनसबी अंजाम दे सके أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء وكانوا
सबसे पहले मैं तमाम मोअज़्ज़ज़ीन मेहमानान गिरामी पीर मोहम्मद अहमद शाह साहब और उनके साहबजादे साहबजादा पीर जमील अहमद शाह साहब और तमाम अजीज व अकारिब मुरीदीन मुतवस्सलीन जहाँ जहाँ से आए हैं अल्लाह करीम इनका आना अपनी बारगाह में कबूल व महबूब फरमाए। यकीनन अल्लाह के पाक कलाम से बाकायदा इस महफिल पाक का आगाज हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि जिस भी नात खान को और आलम दीन को इस स्टेज पर बुलाया जाए वो एक शर्त समझते हुए अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। अब मैं अपने ऐवान के अगले सना खान को दावत पेश करता हूँ बगैर किसी तमहीद के और बहसों के। मैं ये आपको इस अशार पर दावत देता हूँ। ऐसा न कोई महबूब होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। जिसको ये शेर समझ आ रहे हैं वही कह दें सुभान अल्लाह। देखिए हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा मेरी जो उम्मत है वो मरहूमा उम्मत है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मरहूमा उम्मत का मतलब क्या है? आप सल्लम ने फरमाया कि जब मरेंगे तो गुनाहगार होंगे और जब अपनी कब्रों से उठेंगे तो नेकोकार होंगे। कह दो सुभान अल्लाह। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाला तो मरकर अपनी कब्र में चला जाएगा, उसके रिश्तेदार और उसके जानने वाले और उसके अपनी औलाद जब कुरान पढ़ेगी और वज़ाइफ़ पढ़ेंगे दर्स व हदीस पढ़ेगी उसका सवाब उसके नामे आमाल में ओद पहाड़ के बराबर बनते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे महबूब की उम्मती हैं। फिर शायर क्या कहता है, ऐसा न कोई महबूब होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हर एक को मयसर कहां उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबा भी जिब्रील अमी है। अब हाजी खुर्शीद अहमद साहब आकर मुख्तसर अपनी हाजिरी पेश करेंगे। अस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। लाम लाट लगी खड़ी वाट भाला जोगण हो के ढूंढे दिया गलियां, जैसा गे हार सिगार की तुम ओता पार झुका वन मलियां। लाम सीने झलिया मजरूआ सोलह यार मार विशाल
जीवन कनू मुई भलिया ओ लोग कलड़ी बिच कुन कपरी दे बोगियों लोग कलड़ी बिच कुन कपरी दे पिछली उमरी दे बोगियों लोग कलड़ी बिच कुन कपरी दे पिछली उमरी दे बोगियों लोग कलड़ी खुशहाल हमाल कंगाल नहाल हवा के फिर माल न काल कलू ते बेट चरा दू खाल नहाल अजरे सरकार चटनी दागे धनवार जो मार दे लाल नहाल सकुए देखा बुखिया नहान ओ मारा मरोड़ा जिक्रे ते धोड़े भेजा सुबातान तेरे विछोड़े वो दुखड़े नहीं होनी ने ढेते डोरे है ना जीते जीरा ना मर दे बोगियों लोड कलड़ी ओ जोगी बिरागी ठीक ढूंढे सा कफनी दुखा दी पागल सुहे सान ये फरीदा उमरा बेसान कबरी दे।